Audio Jungle. हाय दोस्तों, मैं सतवीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD कैंपस आगरा पर। तो दोस्तों, हम पासा पढ़ रहे थे और पासा की अब तक चार क्लास हो चुकी हैं, ये पांचवी क्लास है और चौथी क्लास में मैंने आपको ओपन डैश पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन कराए थे। आज भी मैं आपका ओपन डैश ही पढ़ाऊँगा, उसमें थोड़े आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चन बचे थे। आज हम ओपन डैश को मतलब पूरे डैश को कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता चुका था इसके बारे में, फिर एक बार रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से आज कंसेप्ट फिर से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक ओपन डैश, खुला हुआ पासा। देखो, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर ये डैश का पासा, इसमें क्या रहता है, कोई भी एक फिगर दे रखा होता है, कोई भी एक ओपन डैश दे रखा होता है, उसके द्वारा हमें बताना होता है कि इसके द्वारा कौन सा क्लोज डैश, बंद डैश बताया जा सकता है, इसके द्वारा कौन सा डैश बनेगा, ये चीज़ हमें बतानी होती है। तो देखो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, इसके द्वारा कौन सा डैश बनाया जा सकता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको कल ही बता चुका था। देखो, इसमें क्या होता है, ओपन डैश में ये वाली सरफेस इसके अपोजिट है, मतलब एक बीच वाला बॉक्स, मतलब एक बॉक्स छोड़ के दूसरा वाला क्या होता है भाई दोस्तों, अपोजिट होता है। इसमें एक बॉक्स के बाद दूसरा वाला बॉक्स क्या होता है दोस्तों, अपोजिट होता है इसमें। तो इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट ये वाला हो जाएगा। मैं इसकी बात करूं, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, और इसकी बात करूं तो मैं इसको बंद करूंगा तो ये वाली सरफेस के अपोजिट ये वाली हो जाएंगी। तो देखो, देखते हैं, मैं बात करूं इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसे ये खाली ब्लैंक है, इसके अपोजिट ये वाला ब्लैंक हो जाएगा, इसके अपोजिट ये वाला ब्लैंक हो जाएगा, ऐसे करके इसके अपोजिट ये वाला ब्लैंक हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करके ए बताऊं, ए इसके अपोजिट, अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूं, अगर इसको ऐसे करके क्लोज कर दूं, तो ये ऐसे करके बन जाएगा, ये आमने सामने रहेंगे एक दूसरे के, ऐसे करके कुछ आकृति बनेगी ये वाली जो है, इस तरीके से ये वाली कुछ आकृति बनेगी, ठीक है, ये ऐसे करके कुछ बनेगा। अब हम चेक करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनमें से देखो छह सरफेस होती हैं किसी भी पासे की, लेकिन जब हम बंद करते हैं तो हमें किसी भी एंगल से देखने पर तीन सरफेस दिखाई देती हैं। मतलब इसका क्या रहता है, जैसे ये दो दो के वो हैं, तो इसमें एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब हमें छह में से तीन दिखाने, तीन दिखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक सरफेस छुपी रहेगी और एक हमें दिखाई देगी, मतलब एक का छुपा रहना जरूरी है और एक का दिखाई देना बहुत जरूरी है। तो इसी आधार से हम देखो पहले ऑप्शन को देखें, अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूं तो मैं देखते ही इसको गलत कर दूंगा। आप कहोगे सर कैसे गलत कर दिया, देखो इसके अपोजिट इस तरीके से आमने सामने का कुछ इस प्रकार से कोई आकृति बनेगी, आमने सामने की ऐसे करके बनेगी कोई आकृति आमने सामने की, लेकिन इसमें क्या है एक तरफ ही दे रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से आमने सामने का कुछ बनेगा और इसमें एक ही तरफ ऐसे करके दे रखा है, तो भाई ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी की बात करूं, मान लेता हूं इन दोनों में से मान लो कोई भी एक सरफेस आ गई, और इन दोनों में से भी मान लो ये वाली सरफेस आ गई, मतलब दूसरे के पूरे सही होने की संभावना है, ये मतलब दूसरा वाला सही होने की संभावना है, ठीक है। तो तीसरे की बात करूं मैं, तो देखो इन दोनों में से मान लो कोई ये सरफेस आ गई, इन दोनों में से कोई ये सरफेस आ गई, और इन दोनों में से ये वाला आ गया, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि दोनों में से एक एक आ रहा है। अब मैं चौथे की बात करूं, तो चौथे को मैं देखते ही गलत कर दूंगा, आप कहोगे सर कैसे कर दिया, तो देखो इन दोनों में से भाई एक का आना जरूरी है, और इस वाले ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी सरफेस हमें नहीं दे रखी है, इसलिए मैं कह सकता हूं भाई ऑप्शन डी एकदम गलत है। तो देखो अब कौन सा सही है, दो और तीन सही है, दो और तीन किस ऑप्शन में दे रखे हैं, ओनली दो और तीन, पहले में एक और चार है, दूसरे में भाई ओनली दो और तीन दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन भी एकदम राइट है, ऑप्शन भी एकदम सही है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस तरीके से करते हैं, पीछे भी क्वेश्चन किए हैं तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होता हो रहा होगा धीरे धीरे। अब मैं देखो पहला वाला क्वेश्चन हो गया, अब मैं दूसरे वाले को देखूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरे को करते हैं, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, करने की कोशिश करें, आप कर सकते हैं। 10 सेकंड का टाइम है, करने की कोशिश करें, आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, करने की कोशिश करें, मैं आपका आंसर मैच करना, आप जल्दी से करने की कोशिश करें। देखो कुछ लोगों ने आंसर कर भी लिया होगा, आप इसको चेक करते हैं। देखो इसको चेक करते हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, अल्टरनेट ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक बॉक्स छोड़ के दूसरा अपोजिट होता है, ये वाला इसके अपोजिट होगा और बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो देखो ये वाला जो है, ये वाला इसके अपोजिट हो जाएगा, इस वाली सरफेस के अपोजिट हो जाएगा, ये रंगीन सा जो है, ये जो है इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब मैं बात करूं ये वाला जो है, ये ब्लैंक इस ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा, ये वाला ब्लैंक जो है इसके अपोजिट हो जाएगा। बचे क्या, एक ये बची सरफेस और एक ये रंगीन वाली बची, एक तो ये बची और एक ये वाली आपकी रंगीन वाली बची, ये वाली ऐसे करके बची हमारी। अब देखो भाई दोस्तों, अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन का हमारा वही फंडा है कि दो में से एक आना चाहिए। तो मैं इसकी बात करूं तो देखो भाई, इन दोनों में से ये वाली सरफेस आ गई, ये वाली आ गई, इन दोनों में से भाई ये वाली कोई सरफेस आ गई, ठीक है यहाँ तक, और इन दोनों में से भाई कोई ये वाली सरफेस आ गई, मतलब पहला भी हमारा आंसर सही है, ए आंसर सही है, बिल्कुल सही होने की संभावना है भाई, बिल्कुल सही है। अब मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, मैं भाई दूसरे ऑप्शन की बात करूं, मान लेता हूं इन दोनों में से ये वाला आ गया, इन दोनों में से मान लो ये वाला आ गया, और इन दोनों में से मान लो, इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से भी तो किसी का आना जरूरी है भाई, ये दोनों ब्लैंक हैं, इनमें से भी तो किसी का आना जरूरी है, दो में से एक का आना जरूरी है। मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा है बी वाले ऑप्शन में, इसलिए मैं भाई दोस्तों कह सकता हूं ऑप्शन बी एकदम गलत है। बी क्या है, गलत है, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई आना चाहिए और इन दोनों में से यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। मैं ऑप्शन सी की बात करूं भाई, ऑप्शन सी हम देखते हैं, तो देखो इन दोनों में से मान लो ये वाला आ गया, ये वाला, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा और इन दोनों में से ये वाला आ गया, मतलब ऑप्शन सी एकदम सही है, ऑप्शन सी एकदम सही है भाई। ऑप्शन डी की बात करूं मैं, ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं, ऑप्शन डी की बात करूं तो मैं देखता हूं कि भाई इन दोनों में से ये वाला आ गया और इन दोनों में से ये वाला आ गया, ठीक है, और इन दोनों में से भाई कोई एक ब्लैंक आ गया, मतलब ऑप्शन डी की एकदम संभावना सही है, सही है, ए भी सही है हमारा, सी भी सही है और हमारा डी भी सही है। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है कि ये तीनों दे रखे हों, ए सी और डी दे रखे हों, दे रखे हैं भाई कहीं पे, ए सी और डी भाई ऑप्शन बी में दे रखे हैं, ए में तो बी और सी दे रखे हैं, बी में केवल ए सी और डी दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन बी एकदम सही है भाई, ऑप्शन बी एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैंने खूब प्रयास किया आपको अच्छे से बताने का, कंसेप्ट आपका क्लियर होता हो रहा होगा, एकदम आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कैसे करनी है, एकदम क्लियर होगा हो रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, देखो भाई अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा समझने वाला है, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, आप देखें तीसरे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो वही अपना तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक और एक जो है आपका, एक उसको छोड़ के दूसरा वाला अपोजिट होता है, एक बॉक्स को छोड़ के दूसरा वाला बॉक्स क्या होता है, अपोजिट होता है। तो मैं अपोजिट याद करूं तो देखो भाई, पी के अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पी वाले के अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा एन, सॉरी पी के अपोजिट आ जाएगा टी, ऐसे करके पी के अपोजिट टी आ जाएगा। एम की बात करूं तो मैं एम के अपोजिट क्या आ जाएगा, एम के अपोजिट आ जाएगा आपका के, एम के अपोजिट क्या आ जाएगा, और मैं एन की बात करूं यहाँ पे एन की बात करूं, एन का अपोजिट क्या आएगा, एन के अपोजिट देखो इस तरीके का कुछ बनेगा। अगर मैं इसको जब फोल्ड करता हूँ, जब इसको ऐसे फोल्ड करूँगा ये वाले जो हैं, तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा, कैसे बनेगा तो देखो ये ऐसे करके कुछ बन जाएगा, हमको इस प्रकार का कुछ दिखाई देगा जब मैं इनको ऐसे करके फोल्ड करता हूँ, फोल्ड करने के बाद कुछ हमें इस तरीके का दिखेगा। तो बस हमें ये पता लग गया कि कौन किसके अपोजिट है, तो बस हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया, फिर हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दो में से किसी भी बंद पासे में एक का दिखाई देना जरूरी है। तो देखो हम पहले ऑप्शन से स्टार्ट करें, अब मैं पहले ऑप्शन से स्टार्ट करूँ, देखो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ओपन डैश हमें सिर्फ ऑप्शन से ही करना है,
ऑप्शन से ज़्यादा ईजी रहेगा सारी चीज़ें, तो हमें ऑप्शन से ही करना है। तो देखो मैं पहले ऑप्शन को देखूँ, पहले ऑप्शन को देखूँ तो भाई मैं देखते ही गलत कर दूंगा। आप कहोगे कि सर कैसे देखते गलत कर दिया, देखो यहाँ पे जो है इस तरीके से बॉक्स हैं, इस मतलब चतुर्भुज वर्ग टाइप का बनेगा ऐसे करके, और यहाँ पे मैं देखूँ तो ये ट्रायंगल टाइप के बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसे करके ये है, ये स्क्वायर टाइप का है, ऐसे बंद करेंगे तो स्क्वायर टाइप का बनेगा, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ पहला तो भाई देखते गलत है, चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे की बात करूँ, मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ, दूसरे को भी मैं आसानी से देखते गलत कर सकता हूँ। कैसे गलत कर दूंगा, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई स्क्वायर जैसा बनना चाहिए और यहाँ पे ट्रायंगल जैसा बन रहा है, इसलिए देखते गलत है, क्योंकि इस तरीके से कुछ बनना चाहिए और यहाँ पे बन रहा है ट्रायंगल जैसा बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं भाई दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब देखो तीसरे ऑप्शन की तरफ चलें, तीसरे ऑप्शन की तरफ चलें तो मैं कहूंगा भाई देखो तीसरे ऑप्शन में क्या रहता है, मेरे हिसाब से ये भी गलत है। आप कहोगे सर कैसे गलत है, देखो मैं आपको बता चुका हूँ, आपकी मैंने अपनी चौथी क्लास में बताया था, जब हम किसी को जब इस प्रकार से दे रखे हों, और मैं आपको बता चुका हूँ इसको ऐसे करके पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं फिर ऐसे करते हैं, तो फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे ये एक है ना, एक के बाद दो दे रखा है ऐसे करके, दो के बाद तीन दे रखा है, तीन के बाद चार दे रखा है, चार के बाद ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज सर्किल में चल रहा है। ये कैसे चल रहा है, ये क्लॉकवाइज सर्किल में चल रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको वो क्लॉकवाइज दे दे तो ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज सही रहेगा, अगर क्लॉक ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तो फिर ऑप्शन में आपको क्लॉकवाइज करना है। तो देखो मैं यहाँ पे देखूँ तो एक दो तीन चार ऐसे करके जो उसने क्लॉकवाइज दे रखा है, अब क्लॉकवाइज दे रखा है तो ये जो ऑप्शन में एंटी क्लॉक दे रखा होगा वो वाला सही होगा, तो मैं इसको कह सकता हूँ भाई ये वाला जो है ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है, तो देखो एक चार तीन कोई सिक्वेंस ही नहीं दे रखा उसने, ऐसे ही लगा दिए अंदाजे से, तो इसलिए ऑप्शन जो है तीन हमारा गलत है, क्योंकि ये जो है ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज नहीं दे रखे हैं। तो ऑप्शन एक ही बचा, कौन सा बचा, ऑप्शन डी बचा, तो डी तो सही होना ही है। तो वो कैसे सही होना है, तो देखो मैं बता दूं आपको, पी और टी में से इसने यहाँ पे टी दे दिया, और एम और के में से इसने एम दे दिया, और इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देखो एक दो तीन चार ऐसे करके क्लॉकवाइज बन रहा था, और यहाँ पे देखूँ एक दो तीन चार ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आएगा, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में यही एक विशेष था कि आपको ये जो डायरेक्शन है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं तो हम ऑप्शन में देखते ही ऐसे सी ऑप्शन आया देखते ही तुक्के से जल्दी से सही कराते हैं, लेकिन हमको अच्छे से देखना है भाई कि यहाँ पे क्लॉकवाइज दे रखा है तो एंटी क्लॉक आएगा, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तो क्लॉकवाइज आएगा, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात एकदम आपको समझ आ गई होगी। अब मैं चौथे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, चौथे क्वेश्चन को देखता हूँ ये हमें किस तरीके से करना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप करने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं और अच्छी प्रैक्टिस भी करा दी है मैंने आपको ओपन डैश में, करने की कोशिश करें, कर सकते हैं आप। कुछ लोगों का आंसर आ भी गया होगा तो हम अब इसको देखते हैं, अब चेक करते हैं अपना अपना आंसर मैच करना। तो देखो भाई इसको मैं चेक करूं, इसमें कह सकता हूँ एक बॉक्स छोड़ के दूसरा वाला बॉक्स अपोजिट होता है, तो इस वाले ब्लैंक के अपोजिट ये सर्किल वाला हो जाएगा, ऐसे करके इस ब्लैंक के अपोजिट ये ऐसे करके सर्किल वाला हो जाएगा, और इस ब्लैंक के अपोजिट ये वाला हो जाएगा, ऐसे ये जो है इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला ब्लैंक हो जाएगा। और मैं इसकी बात करूँ ऐसे करके, ये हमें दे रखा है ऐसे करके, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अपोजिट ऐसे करके ये वाला हो जाएगा, इसके अपोजिट ऐसे करके हो जाएगा। बस हमने अपोजिट निकाल लिए, हमें अपोजिट का पता चल गया तो समझो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अपोजिट का पता चलती हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। तो देखो मैं अब ऑप्शन पहले को चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर एक को चेक करूँ तो देखो मैं इसमें देखूँ इन दोनों में से उसने ये वाला दे रखा है एक, इन दोनों में से मैं बात करूँ कोई एक दे रखा है ये वाला, अब इन दोनों में से भाई उसने एक दे रखा है, मतलब ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन एक जो है हमारा सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो दूसरे भाई ऑप्शन को भाई मैं देखते ही गलत कर दूंगा। आप कहोगे सर आपने कैसे गलत कर दिया, तो मैं कह सकता हूं भाई देखो इनमें से ये जो दे रखे हैं हमने ऐसी आकृति दे रखी है जो इन दोनों में से इसमें कोई भी सरफेस नहीं दे रखी है, और मैं आपको बता चुका हूं इन दोनों में से एक का आना बहुत जरूरी है, नहीं आया है तो इसलिए मैं कह सकता हूं ऑप्शन दो एकदम गलत है भाई। अब मैं तीसरे ऑप्शन की तरफ चलूं, मैं देखूं इन दोनों में से उसने कोई एक सरफेस दे रखी है, इन दोनों में से कोई एक सरफेस दे रखी है, और इन दोनों में से भाई उसने एक दे रखी है, तो मैं कह सकता हूं भाई ऑप्शन तीन एकदम राइट है, ऑप्शन
तीन जो है एकदम सही है, मैं कह सकता हूँ भाई। अब मैं ऑप्शन चौथे को देखूँ, अब मैं चौथे ऑप्शन को देखूँ तो भाई देखते ही गलत कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? आप कहोगे सर आपने देखते ही कैसे गलत कर दिया, मैं कह सकता हूँ भाई ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते ऑप्शन में, और इसने ये दोनों एक साथ दे रखे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ भाई ऑप्शन चार जो है एकदम गलत है भाई, एकदम गलत है, क्योंकि इसने ये दोनों एक साथ दे रखे हैं। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से सही है? एक तो पहला वाला सही है, एक तीसरा वाला सही है। तो ये ऑप्शन में दे रखे हैं, हाँ भाई ए पर ही दे रखे, पहले में ही दे रखे ए ऑप्शन पे, एक एंड तीन ओनली, एक और तीन केवल सही हैं। तो इस तरीके से हमारे दो ही सही निकले हैं, एक और तीन। तो मैं कह सकता हूं भाई ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एक और तीन सही हैं। तो मैं समझता हूं भाई आपको ये मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब थोड़े और डिफरेंट टाइप की और चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, पांचवें क्वेश्चन को अब देखते हैं, थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अगर कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट करके बताना, वैसे कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत आसानी से अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ ओपन डाइस के। ठीक है भाई, अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन। तो भाई दोस्तों आज पांचवा क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का, अब पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। अब तक हमने चार कर लिए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अपना वही काम रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ, एक छोड़ के दूसरा वाला जो होता है वो क्या होता है? अपोजिट होता है। तो सबसे पहले हम अपोजिट याद करते हैं, तो देखो इसके इस खाली के अपोजिट ये वाला खाली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस अपोजिट ए के अपोजिट ये वाला रंगीन हो जाएगा, इस वाली सतह के अपोजिट ये वाला हो जाएगा, ऐसे कलर के कलरफुल जो है रेड वाला जो है ये हो जाएगा इसके अपोजिट, और बचा क्या, ये क्रॉस जैसा बचा, और इसके जो अपोजिट है ये वाला जो है रंगीन जो है ये वाला हो जाएगा आपका, ऐसे करके ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बस ये हमने अपोजिट याद कर लिया, बस हमारा काम हो गया। फिर क्या है, हम चेक करते हैं। देखो इन दोनों में से मैं देखूं, इन दोनों में से मान लो कोई एक ये वाला ब्लैंक दे दिया है, इन दोनों में से मान लो ये वाला दे दिया है, और इन दोनों में से ये दे दिया, मतलब पहले ए की सही होने की पूरी संभावना है, पहला वाला ए सही है, क्योंकि हमारा वही काम रहता है कि दो में से कोई एक आना चाहिए। तो इन दोनों में से ये ब्लैंक दे दिया इसने, इन दोनों में से मान लो ये दे दिया, और इन दोनों में से ये दे दिया, तो हमारा ए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करें, दूसरे वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आप कहोगे कैसे गलत है सर? देखो वो इस प्रकार गलत है, हम यहाँ से देख लेंगे, ए और ये जो रंगीन सतह है ये, इन दोनों में से एक का आना बहुत जरूरी लिया, और इन दोनों में से उसने कोई भी नहीं दिया है, इन दोनों सरफेस में से एक का आना जरूरी है, लेकिन इन दोनों सरफेस में से उसने कोई भी सरफेस नहीं दिया, इसलिए हम कह सकते हैं बी ऑप्शन एकदम गलत है भाई। अब देखो सी ऑप्शन देखते हैं, सी वाला ऑप्शन में देखूं, सी वाले ऑप्शन की बात करूं तो देखो इन दोनों में से एक उसको ब्लैंक देना चाहिए, ये जो है खाली सरफेस एक देनी चाहिए, लेकिन इन दोनों में से उसने कोई भी खाली सरफेस नहीं दी है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ सी वाला ऑप्शन भी भाई गलत है, क्योंकि इन दोनों में से एक देना चाहिए, उसने हमारे उसमें सरफेस में कोई भी नहीं दिया है। तो अब मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो देखो इन दोनों में से मान लो ये वाली ब्लैंक सरफेस आ गई, इन दोनों में से ये वाली सरफेस आ गई, और इन दोनों में से ये वाली सरफेस आ गई, तो ऐसे करके हमारा डी भी सही है, ऐसे करके हमारा डी सही है। तो ऐसे करके हमारे क्या ऑप्शन हो गए, ऐसे करके हमारे कितने ऑप्शन हो गए भाई? देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक ही ऑप्शन सही आएगा, इसमें यहाँ पर ए और देना चाहिए, उसने यहाँ पर ए नहीं लिखा, मैंने ए और देना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हमने यहाँ पर ए नहीं लिखा है, हमें पता है कि इन दोनों में से एक सरफेस आनी चाहिए, तो इन दोनों में से उसने दोनों सरफेस दे रखी है, इसलिए हमारा आंसर ए भी गलत हो जाएगा। मैंने यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर ए नहीं लिखा था, ठीक है, ए नहीं लिखा था इस सरफेस पे, ए भी आएगा, इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन सही रहेगा, इसमें से डी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, ये वाली देख लें एक बार, और मैं आपको समझा दूँ ये ऑप्शन ए कैसे गलत हो जाएगा। मान लो इन दोनों में से ये वाली सरफेस, इन दोनों में से एक ब्लैंक सरफेस देनी चाहिए, लेकिन उसने यहाँ पे कोई ब्लैंक सरफेस नहीं दे रखी है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे ए नहीं लिखा था, तो ए और कर लेना, ठीक है। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो हमारा इसमें डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन पे, पांच क्वेश्चन हमने कर लिए, पांच क्वेश्चन एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक क्या था दोस्तों? अभी तक हमें उसने ओपन डैश दे रखा था, ओपन डैश में से क्या था, हमें क्लोज डैश
वाला ऑप्शन चेक करना था कि इस ओपन डैश से कौन सा क्लोज डैश बनाया जा सकता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया कि क्लोज डैश दे रखे हैं और इस क्लोज डैश में से आपको बताना है कौन सा वाला ओपन डैश बनाया जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपका एमटीएस 2014 में पूछा भी गया है। तो बात समझ में आई, इसमें क्लोज पहले वाले क्वेश्चनों में ओपन डैश थे, ओपन डैश से हमें क्लोज डैश बनाना था, इस वाले में क्लोज डैश दिया हुआ है और क्लोज डैश से हमें ओपन डैश बनाना है कि इन दोनों क्लोज डैश से कौन सा वाला ओपन डैश बना सकते हैं। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले देखो हम कोई भी क्वेश्चन निकालते हैं डैश में, हमें अपोजिट पता चल जाए तो हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हम इन दोनों पासों की सहायता से पहले अपोजिट नंबर ज्ञात करेंगे। वो कैसे करेंगे, मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, सबसे पहले अगर दो पास दे रखे हैं तो उनमें सबसे पहले हम एक नंबर कॉमन देखते हैं। तो एक नंबर क्या कॉमन है इन दोनों में, आपको कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ भाई मुझे दिखाई दे रहा है, ये पांच का अंक कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में पांच का नंबर कॉमन है। अब पांच का नंबर कॉमन है तो बस समझ लो हमारी बात बन गई। कैसे बन गई, तो पांच से चलना स्टार्ट करेंगे, पांच चला, पांच के बाद तीन पे आए और तीन के बाद दो पे आए, ऐसे करके क्लॉकवाइज चलते हैं। आपको पहली क्लास में मैं बता चुका हूं, ऐसे ही कॉमन के नीचे कॉमन रखते हैं और फिर क्लॉकवाइज चलते हैं, पांच से चार पे चलेंगे और चार के बाद हम एक एक पे चलेंगे ऐसे के, और जो नंबर दोनों में नहीं दिखाई देता है उसको कॉमन के सामने लिख देते हैं। तो कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे छह का नहीं दिखाई दे रहा, छह मैंने यहाँ लिख लिया। तो ऐसे करके यहाँ पे जो है दो के अपोजिट एक हो गया और तीन के अपोजिट चार हो गया और पांच के अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, छह हो गया। तो ऐसे करके हमने यहाँ से अपोजिट नंबर ज्ञात कर लिया। अब क्या बस हो गया हमारा, कैसे हो गया, तो देखो हम अब ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में क्या करेंगे, हमें पता है कि एक जो है एक ये वाला छोड़ के दूसरा एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं एक वाला बॉक्स छोड़ के। तो ऐसे में यहाँ पे देखूं, पहले वाले ऑप्शन में देखूं तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है भाई कि पांच के अपोजिट तीन है, मुझे यहाँ से क्या पता लग रहा है कि पांच के अपोजिट तीन है, तब कि हमारे क्वेश्चन से क्या आया है, पांच के अपोजिट हमारे क्वेश्चन से छह निकल के आया है और यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि पांच के अपोजिट तीन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन ए एकदम गलत है, ऑप्शन ए एकदम गलत है। हम इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे पांच के अपोजिट तीन दे रखा है और यहाँ पे पांच के अपोजिट छह निकल के आया है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी को मैं चेक करूं तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि दो के अपोजिट चार है, दो के अपोजिट क्या है चार है, और यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, दो के अपोजिट एक दे रखा है, मुझे यहाँ पे दो के अपोजिट एक दे रखा है और यहाँ वाले ऑप्शन में दो के अपोजिट चार है, तो इसलिए मैं भाई यहाँ पे भी कह सकता हूँ ऑप्शन बी एकदम गलत है। अब मैं ऑप्शन सी की बात करूं, ऑप्शन सी की बात करूं तो देखो यहाँ पे दो के अपोजिट चार दे रखा है और यहाँ पे दो के अपोजिट भाई एक है, तो इस ऑप्शन को भी मैं देखते ही गलत कर दूंगा, ऑप्शन सी को भी मैं देखते ही गलत कर दूंगा, बाकी एक ऑप्शन बचा, एक डी बचा, डी तो सही होना ही है। इसे भी चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे दो के अपोजिट एक दे रखा है तो यहाँ पे भी दो के अपोजिट एक है, पांच के अपोजिट छह दे रखा है यहाँ पे भी पांच के अपोजिट छह है, और तीन के अपोजिट चार दे रखा है यहाँ पे भी तीन के अपोजिट चार है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी एकदम राइट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना होता, पूरा डैश हमारा अपोजिट पर रहता है और हमें ऑप्शन से ही करना है, ऑप्शन से बहुत इजी हो जाता है डैश को निकालना, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए, इसका एक और हम देख लेते हैं, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं, छठा किया उसके बाद सात तो जैसा ही है और क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या होता है कि ये वाले जो दो डैश दे रखे हैं इसमें क्लोज डैश दे रखे हैं, उनसे हमें ज्ञात करना है कि इन दो डैशों के द्वारा कौन सा ओपन डैश बनाया जा सकता है, ये हमें ज्ञात करना है इससे। तो हमारा वही काम है, सबसे पहले अगर हमें अपोजिट नंबर पता चल जाए तो हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, अपोजिट ज्ञात करेंगे, और अपोजिट के लिए हम क्या करते हैं, कोई दो पासे लेते हैं और उनमें कोई एक नंबर कॉमन देखते हैं। तो देखो दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे भाई इन दोनों में तीन का अंक कॉमन दिखाई दे रहा है, ये जो तीन का जो है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी तीन का नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है। अब मुझे कॉमन दिखा बस समझो बन गया अपना काम, क्या करते हैं सबसे पहले कॉमन को लिखते हैं उसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं, तीन से पांच पे और पांच से दो पे, तीन से चलेंगे पांच पे और पांच से चलेंगे दो पे, ठीक है। अब दूसरे पासे में कॉमन के नीचे कॉमन लिख लेते हैं फिर क्लॉकवाइज चलते हैं, तीन से चलेंगे छः पे और छः से चलेंगे चार पे, तीन से चलेंगे छः पे और छः से चलेंगे चार पे, और जो अंक दोनों में हमें नहीं दिखाई दे रहा उसको कॉमन के सामने लिख देते हैं। कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा
भाई मुझे यहाँ पे एक का अंक नहीं दिखाई दे रहा, एक मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें अपोजिट नंबर पता चल गया। यहाँ से मैं कह सकता हूँ दो के अपोजिट चार है, पाँच के अपोजिट छः है और एक के अपोजिट क्या है, एक के अपोजिट तीन है। मुझे यहाँ से अपोजिट पता चल गए तो मैं बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहले ऑप्शन में मुझे पता लग रहा है कि दो के अपोजिट भाई चार है, यहाँ पे दो के अपोजिट चार दे रखा है, ये बात भी सही है। फिर मुझे पता लग रहा है यहाँ पे तीन के अपोजिट छः है, तो तीन के अपोजिट छः दे रखा है, नहीं भाई यहाँ पे तीन के अपोजिट एक दे रखा है और यहाँ पे तीन के अपोजिट छः दिया है मुझे, तो मैं कह सकता हूँ भाई ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब मैं ऑप्शन दूसरे की बात करूँ, ऑप्शन बी की बात करूँ, तो देखो ऑप्शन बी को मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि भाई एक के अपोजिट तीन है, तो हमें ऑप्शन वह हमारे जो निकल के आए अपोजिट उसमें भी एक के अपोजिट तीन है। अब मैं दूसरे को देखूं तो यहाँ पे पांच के अपोजिट छः दे रखा है, पांच के अपोजिट छः है, बाकी दो अपोजिट है चार के, तो यहाँ पे भी दो अपोजिट चार है चार के, तो भाई ऑप्शन बी एकदम सही है। जो हमें यहाँ पे अपोजिट दे रखे हैं वही अपोजिट हमारे ऑप्शन में दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। देखो यहाँ पे चार के अपोजिट छः दे रखा है, चार के अपोजिट यहाँ पे दो है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी की बात करूँ, यहाँ पे भी छः के अपोजिट चार दे रखा है, यहाँ पे छः के अपोजिट पाँच है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन है हमारा बी, तो इसलिए कह सकते हैं हमारा ऑप्शन बी एकदम राइट है। तो इस हमने क्लोज डैश से ये वाले ओपन डैश बना लिए कि इनसे कौन सा डैश बनाया जा सकता है। तो आपकी ये बात एकदम भाई अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का, ये वाला हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। अब तक मैंने आपको अच्छी प्रैक्टिस करा दिया ओपन डैश में भी, आपसे सारे क्वेश्चन लगने लग गए होंगे, और मैं इसको और देख लेते हैं, बाकी आपका टॉपिक फिर फिनिश हो जाएगा ये पूरा। तो देखो इसको मैं देखूं, इसमें वही काम है, मैं बार बार हर क्वेश्चन में बताते आया हूं आपको, इस वाली एक छोड़ के दूसरा अपोजिट रहता है, इस ब्लैंक के अपोजिट ये वाला है, इसके अपोजिट इस ब्लैंक के अपोजिट ये वाला ब्लैंक है, इस रंगीन के अपोजिट ये वाला रंगीन है, ये जो दे रखा है आपको रेड जो दे रखा है इसके अपोजिट ये वाला रेड है, ऐसे करके ये वाला रंगीन है, ऐसे दे रखा है, इसके अपोजिट ये हो गया, बाकी बचते हैं ये वाले। तो ये भाई दोनों जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद कुछ इस तरीके से ऐसे करके हो जाएंगे, ये वाले जो हैं ऐसे करके, ये दोनों अलग अलग हैं, ये बाद में ऐसे जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद जो है कुछ इस तरीके से ये हमें दिखाई देंगे, ट्रायंगल दिखाई देगा और यहाँ पे ऐसे करके ये वाला दिखाई देगा। तो ये जो अलग अलग हैं ये तो आसानी से आपको पता लग गया ये इसके अपोजिट है, तो ये जो दोनों हैं ये ऐड हो जाएंगे ऐसे, इनको हम पीछे फोल्ड करेंगे जाके ऐसे ऐड हो जाएंगे, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। तो हमें इनके अपोजिट पता लग गया तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहले ऑप्शन में देखूँ तो भाई इन दोनों में से कोई एक ब्लैंक ये दे रखा है, इन दोनों में से ये दे रखा है और इन दोनों में से, अब देखो ये वाला इसमें बहुत देखने वाली बात है, बहुत अच्छे से देखना है आपको ऑप्शन को। तो देखो मैं यहाँ पे देखूं तो देखो यहाँ पे ऐसे करके ये लंबा सा दिया है, ये वाला जो है ये ऐसे करके दिया है, ये आयत सा दिया है और यहाँ पे ये वर्ग सा दे दिया है, ऐसे करके यहाँ पे छोटा वाला दे दिया, मतलब ये दोनों आने चाहिए या ये दोनों आने चाहिए, इसमें उसने अलग अलग दे दिया, एक तो इसका दे दिया है और एक इसका दे दिया, तो यहाँ पे ये वाले जो है अलग अलग दे दिए, इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत है, ये दोनों एक साथ आने चाहिए और ये दोनों एक साथ आने चाहिए, तो यहाँ पे एक एक करके दे दिया, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ऑप्शन ए एकदम गलत है। मैं ऑप्शन बी की बात करूँ, ऑप्शन बी की बात करूँ तो ऑप्शन बी को भी मैं देखते ही गलत कर सकता हूं। वो कैसे कर सकता हूं कि भाई ये दोनों जो रंगीन हैं, ये दोनों रेड वाली जो रंगीन सतह हैं, ये दोनों हमें ऑप्शन में एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि एक का आना भी जरूरी है और दूसरे का छुपना भी जरूरी है, तो इसमें से इन दोनों में से एक ही आ सकता है, तब कि यहां इन दोनों में से दोनों दे रखे हैं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं ऑप्शन बी गलत है भाई। ऑप्शन सी की तरफ चलें, ऑप्शन सी को देखें तो देखो इन दोनों में से कोई एक दे दिया, मान लो इन दोनों में से कोई एक दे दिया और ये दोनों, इन दोनों में से भाई उसने एकदम ऑप्शन सी सही है, इन दोनों में से एक दे दिया और यहाँ पे उसने ये ट्रायंगल दिया है और ऐसे ये जो है वर्ग सा दिया है, ट्रायंगल भी दिया है और वर्ग सा भी दिया है, इसलिए ऑप्शन एकदम सी सही है। इनको हम फोल्ड करेंगे ऐसे करके,
इसको बंद करेंगे ऐसे करके, तो बंद करने के बाद इसको हम बंद करेंगे तो बंद करने के बाद कुछ इस तरीके की आकृति हमें दिखाई देगी। तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन सी एकदम सही है। अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो डी को भी देख लो, डी एकदम गलत है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये दोनों एक साथ आने चाहिए। इसने क्या किया, एक तो ये वाला दे दिया है और एक यहाँ से इसने ये ट्रायंगल दे दिया, तो अलग अलग पार्ट दे दिए तबकि ये अलग अलग नहीं आ सकते, तो ऑप्शन डी गलत है। इसमें एक ही ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा भाई ये जुड़ जाते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं, कहीं आप एक इसमें से ले लो एक इसमें से ले लो ऐसा नहीं होगा, ये दोनों एक साथ आएंगे और ये दोनों एक साथ आएंगे। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ओपन डायस समझ में आ गया होगा और पूरा ही डायस आपको समझ में आ गया होगा। आज पाँचवीं क्लास थी, पूरा डायस कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस भी अच्छी करा दी है, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इनको लगाएं। अब डायस के किसी भी बुक में से कोई टॉपिक लगाएं, लगाने के बाद जो भी डाउट बने आप ग्रुप में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा HD कैंपस आगरा वन करके, उसमें पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, कोई भी समस्या आए तो आप पूछ सकते हो। आपका पूरा टॉपिक जो है डैश कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट और टॉपिक की ओर चलेंगे। तो आप हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें HD कैंपस आगरा को, ठीक है। तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो के साथ, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, आगे वाली वीडियो मिलते हैं।